कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रत्याशी और गांधी परिवार के करीबी मल्लिकार्जुन खड़गे भोपाल पहुंचे। उन्होंने अध्यक्ष बनने के बाद पीएम चेहरे को लेकर कहा कि बकरीद पर बचेंगे तब तो मुहर्रम में नाचेंगे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने लोकतंत्र से बनी सरकारों को गिराया है। उन्होंने कहा कांग्रेस संगठन को मजबूत करना उनका लक्ष्य है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रत्याशी खड़गे ने कहा, आज मैं यहाँ संगठन के लोगों से मिलने आया हूँ, उनके सामने अपनी बात रखने आया हूँ। यह संगठन का चुनाव है, कांग्रेस के संविधान के अनुरूप हम यह चुनाव लड़ते हैं। चिंतन शिविर डेलीगेशन में जो निर्णय होते हैं उसे प्रमुखता से लागू करूंगा। मैं सबसे जुड़ूंगा, विश्वास में लूंगा, उसके बाद ही निर्णय लूंगा। इस मौके पर खड़गे ने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार संविधान नष्ट कर रही है। जहां जहां भी कांग्रेस की सरकार आई, मोदी और शाह ने मिलकर हमारे विधायक चुरा लिए। कांग्रेस को जनता का सपोर्ट मिलने के बाद भाजपा ने संविधान के खिलाफ जाकर चोरी की है। कांग्रेस की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक रहेगी। खड़गे ने कहा, भाजपा आज जो काम कर रही है उसके खिलाफ लड़ना है, फिर चाहे वह बेरोजगारी हो या देश की आर्थिक स्थिति। देश में लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। खड़गे ने कहा, हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है भाजपा की सरकार, ये लगातार शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की 6 सरकारें बनी, वहीं भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा मणिपुर, गोवा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में हमारी सरकार गिरा दी गई। एक तरफ आप कहते हो हमारे पास जनाधार नहीं है, वहीं दूसरी ओर जहां हमारी सरकार बनती है उसे गिराने का प्रयास किया जाता है। पहले तो संगठन चुनाव इसलिए आया हूँ, हमारे कहावत है, मैं बहुत जगह रिपीट करता हूँ, बकरी में बचेंगे तो मोहर्रम में नाचेंगे। पहले तो चुनाव खत्म होने दो, मैं अध्यक्ष बनने दो, उसके बाद देखेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।